देख रहे हैं CN24। नमस्कार, मैं हूं मैं, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। बदहाली का शिकार है संत कबीर छात्रावास, नारकीय जीवन जीने को मजबूर है छात्रावासी। 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली रैली को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने की बैठक, बनाई रणनीति। लूट और चोरी सहित 4 घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा, 6 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। सीएम योगी ने जनपद वासियों को एक नए विकास खंड की दी सौगात, किया शिलान्यास और भूमि पूजन। और 50 माइक्रोन पॉलिथीन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, शासन प्रशासन हुआ सख्त। अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों की स्थिति विश्वविद्यालय प्रशासन की उपेक्षा के कारण बद से बदतर होती चली जा रही है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का जीवन नारकीय हो गया है। मजबूरी में इन छात्रावासों में रहकर छात्र पठन पाठन कर रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और जिम्मेदार इस ओर आंखें मूंदे हुए हैं। पेश है गोरखपुर विश्वविद्यालय के संत कबीर छात्रावास की नारकीय हालत की एक सूरत। ये तस्वीर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों की। यहाँ की हालत देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन छात्रावास में रहने वाले छात्रों की स्थिति क्या होगी। चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य और उसमें उठती दुर्गंध से छात्रों का जीवन और भी दुभर हो जाता है। यही नहीं कि केवल सफाई व्यवस्था ही ठीक नहीं है, बल्कि भवन पूरी तरह से जर्जर और बेजान हो चुके हैं। समय समय पर छत का प्लास्टर अपने आप टूटकर गिर जाता है और कई छात्र चोटिल भी हो जाते हैं। वहीं शुद्ध पेयजल की भी भारी समस्या है। प्रॉब्लम बहुत सारा है यहाँ पे। यहाँ पे सफाई नहीं है, यहाँ पे नाले हैं सब भरे पड़े हैं और मच्छर से सारे बच्चे परेशान रहते हैं। यहाँ पे गंदगी इतनी सारी है कि क्या बताया जाए। हर एक फ्लोर पर जो है कूड़ेदान होना चाहिए ताकि कोई भी मतलब बच्चा हो डस्टबिन में डाल दे ताकि उससे गंदगी ना फैले। और सफाई भी करने वाले आते हैं तो मतलब अच्छे सफाई नहीं करते हैं सब। और बाकी लेटरूम की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम है कि मालूम पड़ता है कि बीमारियाँ फैल जाएंगी वहाँ बैठने से। केवल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। जानवर दिन पर दिन आते रहते हैं अंदर और पूरे मतलब छात्रावास गंदगी फैलाते हैं। कहीं भी वो अपन लाइटिंग के चले आते हैं सब, तो सफाई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। और बाकी पानी तो चारों तरफ टपकते रहते हैं यहाँ पे। और भी सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। बाथरूम के मालिए यहाँ पे रहने कंपटीशन में जो आपका लैट्रिन बाथरूम में काफ़ी कम है, इसीलिए सुबह सुबह मालिए जो लोग यहाँ पे जाते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जगह डिपार्टमेंट में देखा जाए तो वहाँ पे सफाई रहती है, लेकिन जो जनरल डिपार्टमेंट है जैसे सब लोग वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कोई सफाई नहीं होती है। तो मान लीजिए जो सफाई होती है सब डिपार्टमेंट में होनी चाहिए और यहाँ पे डस्टबिन रहे तो उसके लिए बढ़िया। यहाँ पे रास्ते में सब बाइक खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे श्री प्रधानमंत्री जी जो शौचालय का इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके जो काम कर रहे हैं, और आप इस हॉस्टल में देखिए तो इस हॉस्टल में ये समस्या है, यहाँ जो टॉयलेट की सबसे ज़्यादा समस्या है। और दूसरी चीज़, आदमी का किसी भी मनुष्य का अगर हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर है,
और जो यहाँ पीने वाला जो पानी है उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरा चीज़ मैंने आपको गिनाया ही कि जो वो टॉयलेट की समस्या है वो है, और फिर बाकी और सारी भी समस्याएं हैं। लेकिन होना ये चाहिए हमारे जो वार्डन सर हैं और भी सुपरिंटेंडेंट वार्डन हैं उनमें और छात्रों में एक परिवार का वो होना चाहिए। देखिए हम लोग इतने दूर से यहाँ आके रहते हैं तो वो हमारे गार्जियन के रूप में हैं, तो एक एक सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए जो हमारे और सर के बीच में नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये समस्या अगर क्या बोलते हैं इस ये समस्या अगर ना हो हमारे और उनके बीच में एक परिवार जैसा हो तो बहुत सारी समस्याओं को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बिना किसी हिचकिचाए हुए हम समस्याओं अपनी समस्याएं उनके सामने रखेंगे तो जाहिर सी वो हमारी बात सुनेंगे। लेकिन थोड़ा ये है कि हमारे और उनके बीच में जो गैपिंग है वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको लेके छात्रों को भी थोड़ा उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए और थोड़ा सर को भी चूंकि आते रहना चाहिए और बच्चों से मिलना नहीं चाहिए, मेरी ये प्राथमिकता। अच्छा, यहाँ देखने को मिल रहा है कि तार नंगे तार करके छोड़ दिए हैं, उस सबसे क्या समस्या? किसी को करंट वगैरह नहीं, करंट वरेंट तो चूंकि वो तो ऊपर है ऐसा करंट कभी सुनने को नहीं मिला या देखने को भी नहीं मिला। लेकिन हाँ इस पर इंजीनियर से भी मेरी दो तीन बार इस पर बात हो पाई तो बोलते हैं सर बजट ये आएगा वो है, हम किसी तरह से काम चल रहे हैं जैसा आपका वो रूम सही कर दे रहे हैं तो हमें ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है चलिए हमारा काम चल जाता है बाकी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, दोस्त महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने गोरखपुर के दीवानी कचहरी स्थित अधिवक्ता सभागार में संघ के मंडल संरक्षक अभिमन्यु तिवारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की। बैठक के दौरान आगामी 2 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी संगठनों की रैली के आयोजन के बारे में चर्चा हुई। साथ ही संगठन के नेताओं ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को जब तक उचित मानदेय नहीं दे देती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश पांडे ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा। देखिए हम लोगों की मांग है कि आंगनबाड़ी महिलाओं को जो सबसे महत्वपूर्ण काम इस देश में कर रही हैं उनको परमानेंट न करने तक उन्हें 18,000 ऑनरेरियम मानदेय मिलना चाहिए, उन्हें ग्रेजुटी मिलना चाहिए, उन्हें इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, उन्हें जो है ये वो सारी चीज़ें जो राज्य कर्मचारियों को मिल रही है वो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम वादा करने के बाद भी अपने मैनोफेस्टो में लिखने के बाद भी 120 दिन में करेंगे और वो अभी तक नहीं किए हैं, इसलिए संघर्ष चल रहा है। ट्रेड यूनियनों का आंगनबाड़ियों का ये मोर्चा बना हुआ है, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग ये मंडल वाइज जो है मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को लखनऊ में कम से कम 1,00,000 आंगनबाड़ियों की रैली निकालेंगे और ये हस्ताक्षर जो युक्त मेमोरेंडम है लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री को दे करके और उनसे ये चाहेंगे कि वो इस पर घोषणा करें, नहीं करते हैं तो संघर्ष का घोषणा कर देंगे हम इस कार्यक्रम को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई से प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे जिसको लागू कराने के लिए सरकारी अमला लगा हुआ है। इस संबंध में सभी जिलों में आदेश जारी कर दिया गया है जो 15 जुलाई यानी आज से 50 माइक्रोन की पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसके लिए नगर विकास विभाग आज औपचारिक रूप से आदेश जारी कर देगा और राज्य सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लेने जा रही है। इसमें पॉलिथीन का प्रयोग करते पकड़े जाने पर दंडनीय अपराध होगा। पॉलिथीन पर बैन लगाने वाला उत्तर प्रदेश 19वां राज्य होगा। आदेश में पॉलिथीन बनाने से लेकर बेचने व स्टोर करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन के सभी तरह के कैरी बैग के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपये तक जुर्माना या 6 माह तक की सजा भी हो सकती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन बंद करने के लिए सरकार वर्ष 2000 से कई बार इस ओर कदम उठा चुकी है लेकिन अलग अलग कानूनों के चलते अब तक इस पर अमल नहीं हो सका था और पॉलिथीन बंद ना होकर चालू हो गया था, जिसके पहले कूड़ा कचरा अधिनियम लागू किया गया था जिसके तहत 20 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध है। तो वहीं पर्यावरण विभाग 22 दिसंबर 2015 में जारी अधिसूचना में सभी तरह की पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इसी तरह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 50 माइक्रोन से कम पॉलिथीन को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया है।
अभी तक अलग अलग प्रावधानों से पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध का मामला उलझता रहा है, लेकिन अब शासन ने सभी तरह के संशयों को दूर करते हुए केंद्र सरकार के एक्ट के मुताबिक 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने का मन बना लिया है। प्रदेश 50 माइक्रोन तक की पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का 19वां राज्य बन जाएगा। 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन की बिक्री व इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चरणों में प्लास्टिक को रोका गया है, आज से 50 माइक्रोन की प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद 15 अगस्त से प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, ये जितने भी ऐसे उत्पाद हैं, इन सब को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। थर्माकोल के भी कप, गिलास आदि को रोका जाएगा। और तीसरे चरण में हर प्रकार के उस प्लास्टिक को जिसको लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, इन सब को पूरी तरह प्रतिबंधित करके प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने की एक कार्रवाई, एक अभियान हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि जीव सृष्टि के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, और इसलिए प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की कार्रवाई हुई है। पर्यावरण की सुरक्षा और आम जन बेहतर स्वास्थ्य उन्हें उपलब्ध हो सके, इससे हम लोगों ने 15 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। और मेरा अनुमान है जो रूपरेखा तैयार हो रही है, ये रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण प्रदेश के अंदर होगा, उनका जियो टैगिंग होगा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी इसके माध्यम से। गोरखपुर में आज अलग अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी और लूट के अनेक सामान बरामद किए गए। साथ ही शराब के अवैध कारोबार करने वाले जिले के ही जज सिंह को भारी मात्रा में प्रतिबंधित स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किया। जनपद में हो रहे अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बेलीपार पुलिस ने डवरपार के पास जज सिंह को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर 12,000 लीटर प्रतिबंधित स्प्रिट, भारी मात्रा में ढक्कन, बंटी बबली स्टीकर, बारकोड आदि बरामद। वहीं एक दूसरी घटना का खुलासा करते हुए चोरी के मोबाइल सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान अमरेंद्र और सोनू सिंह के रूप में हुई। वहीं एक अन्य लूट और चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोरी के सामान के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इंस्पेक्टर शाहपुर की टीम द्वारा एक शातिर नकबजन जो गृहभेदन करके घरों में चोरी करता है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसका एक साथी अभी फरार है। उसके गिरफ्तार करने के बाद जनपद की कई नकबजनी और चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है और इसके कब्जे से सोने और चांदी के तमाम जेवरात बरामद किए गए। और गिरफ्तारी के बाद इसने कुल 3 घटनाओं के में अपने साथी के साथ शामिल होकर घटना वारदात करने की बात को कबूल किया, जिस घटना का खुलासा किया गया। इसने अब तक दर्जनों घटनाएँ की हैं, इसका पूर्व में और अधिक इतिहास रहा, पहले भी जेल जा चुका है। अब की इससे गिरफ्तारी के बाद 3 घटनाओं का इसके खुलासा हुआ और घटनाओं में चोरी के सामान बरामद किए गए। ये जटेपुर उत्तरी शाहपुर थाना क्षेत्र से ये 2 लड़के पकड़े गए हैं जनता के सहयोग से, जिनके पास से 1 मोबाइल जो कि चोरी का मोबाइल था, जो इन्होंने ठीक कुछ दिन पहले ही एक वृद्ध महिला से छीना था, वो भी बरामद किया गया है। इनका इसके पूर्व भी आपराधिक इतिहास रहा है, लूट में जेल जा चुके हैं और यह आज इसी संबंध में पेशी की जा रही है। नहीं, बस इनका जो अब तो मुख्य काम है वो अभी इनका कोई भी उस प्रकार से पैसा सामने नहीं आया है। ये अभी लूट में गए थे, कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूट गए हैं, दोबारा जेल जा रहे हैं चोरी। जनपद गोरखपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम के प्रभारी सत्यप्रकाश और धीरेन्द्र राय और आबकारी निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव के जॉइंट ऑपरेशन में 60 ड्रम स्प्रिट, 60 ड्रम्स स्प्रिट, जिनमें लगभग 12,000 लीटर स्प्रिट है, बरामद की गई है डबर पार्क के आसपास। और इसमें जो व्यक्ति इसे लेकर के आ रहा था हरियाणा से, उसे इसकी डिलीवरी यहीं गोरखपुर में ही देनी थी,
उससे संबंधित जो व्यक्ति उसकी रिसीविंग जिन्हें करनी थी उनके क्रमशः जो नाम हैं वो हैं सौरभ जायसवाल और अर्जुन जायसवाल। और जो व्यक्ति इसे लेकर के आ रहा था वो व्यक्ति मूल रूप से पटियाला पंजाब का रहने वाला है, उसका नाम है जस सिंह। और इस के अतिरिक्त इससे यूरिया और बंटी और बबली ब्रांड के रैपर्स और IGL के ढक्कन इत्यादि अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये इस स्प्रिट से बहुत सारी मात्रा में शराब की बनाने की प्रक्रिया का यह हिस्सा है और लगभग 12,000 लीटर स्प्रिट से काफ़ी मात्रा में, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंचती, की शराब बनाई जा सकती। नहीं, वो लोग मौके से नहीं पकड़े जा सके जिन्हें ये बेचने आ रहा था। मैंने उनके नाम अभी आपको बताए हैं जिनको डिलीवरी लेनी थी इसकी, और मालिक से, इसके मालिक और ये और जो डिलीवरी लेने वाले थे, इन सब का पूरा एक तंत्र था जिस संबंध में ये कार्रवाई की गई है आबकारी विभाग के जॉइंट ऑपरेशन में, और पुलिस को अच्छी सफलता इसमें मिली है। सर, ये देसी बात है क्या, अंग्रेजी भी बना? इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देसी तो बनाई ही जा सकती है, अंग्रेजी बनाने की भी संभावना लगती तो है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नकली बनाई जा सकती है, उस बारे में और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर जनपद को एक और नए विकास खंड की सौगात दी है। आज सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज नए ब्लॉक भरोहिया का शिलान्यास और भूमि पूजन विधि विधान के साथ किया। भूमि पूजन के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि कैंपियरगंज और पीपीगंज विकास खंड के बाद यह जनता की जरूरत थी कि एक और विकास खंड बनाया जाए, जिसको हमारी सरकार ने पूरा किया है और जनता को नया भरोहिया विकास खंड दिया है, जिससे क्षेत्र में विकास में गति मिलेगी। आज के अंक में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CN24। आप देख रहे हैं CN24।